देखो कितने अच्छे बादल लगे हुए हैं और पापा जो है कुल्हाड़ी को धार तेज करवाने के लिए लाए हैं। यहाँ पे कहीं है, चलते हैं वहाँ पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से किसी गांव में आया हूँ। उस गाँव का नाम नहीं पता मुझे, तो यहाँ से आज हमारे ब्लॉग का स्टार्टिंग हुआ। पापा उधर चल रहे हैं, हम भी पीछे चलते हैं। जाएगा थोड़ा धूप करेगा तब तो, धूप करेगा। दुकान सब बाहर है। कहाँ दुकान है? महुआ के पेड़े से तक। अच्छा, तो महुआ की तरफ से होगा तो धूप होने दिए तो बना देंगे। यहाँ पे मैं अकेला हूँ तो मास्क उतार सकता हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं है। वैसे भी बारिश का मौसम है तो काफ़ी लोग घूम नहीं रहे हैं। और यहाँ पे जो जिस काम के लिए हम लोग आए थे, तो इनका जो भी मतलब धार लगाने का सामान है चाहे जो भी है वहाँ पे है उस पेड़ के नीचे। तो इनका कहना है कि जब धूप होगा तभी काम हो पाएगा। और अभी तो धूप तो छोड़िए, बारिश कभी भी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी काम हुआ ना हुआ हो, पूरा लोकेशन देखो कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ। ये एरिया देख रहे हो कैसा है, मतलब यहाँ पे लिटरली रास्ता वगैरह कुछ नहीं है। बट मैं अपनी ग्लैमर लेके ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। ऑफ रोडिंग क्या मतलब, पूरा माउंटेन वाली जो बाइक होती है उसकी तरह मैं इसको चला रहा हूँ, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। पापा उधर चले गए हैं, मैं देखता हूँ कोई रास्ता है तो मैं भी आगे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाइक नहीं छोड़ सकते। आज किस्मत थोड़ी ख़राब है, बैटरी मेरी पूरी चार्ज नहीं है, काफ़ी कम है। देखते हैं, काम चलाना पड़ेगा। पापा उधर आगे चले गए हैं और मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। ये देखो रेलवे ट्रैक गया ऊपर से, जो कोयला ले जाती है ट्रेन वो है। और नीचे ये पुल बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे यार, गजब मज़ा आ रहा है। ये एरिया देखो यार, मतलब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आगे बाइक मेरी वहाँ खड़ी है। आज मैंने अपने नॉर्मल बाइक को सुपर बाइक बना दिया है, डर्ट बाइक जिसे बोलते हैं। और पूरा ऐसे एरिया में लेके ड्राइव करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पापा कहाँ चलेगा यार, किस एरिया में देखते नहीं तुम्हें पता चला मैं इधर रह गया, पापा को इधर कहीं और निकल गए, मैं फिर खोज भी नहीं पाऊँगा। जो मैं बोल रहा था वही हुआ, पापा पता नहीं किधर चले गए हैं, बोल रहे हैं कि सीधे आओ सीधे आओ, और मैं देखा ही नहीं हूँ। कह रहे हैं कि मैं इधर सीधे गया था उधर ही आओ, मैं एक्चुअली देखा ही नहीं हूँ सीधे किधर गए थे। जाते हैं देखते हैं, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक जाते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है। और मैं अलग अलग घूम रहे हैं, वो उधर से पैदल आ रहे थे, मैं रोड से आया हूँ। और अभी फ़िलहाल ये क्या बोलते हैं, ये ऐसे आया रास्ता, पूरा पानी पानी है, बस हम लोग ऐसे ही टहल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो पत्थर कैसे हैं यहाँ पे, कितने ये जी चमक रहे हैं। सुबह से मैं अभी खाना नहीं खाया हूँ, मुझे भूख लग रही है। चलते हैं बाइक के पास, ऊपर खड़ी किए हैं बाइक, वहाँ चलते हैं। बाकी यहाँ का, यहाँ पे जो पानी है ये काफ़ी साफ़ है एकदम,
देखो आवाज़ कैसे कर रहा है, पानी आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा वाइल्ड एक्सपीरियंस है ये, चलते हैं। प्रदीप मेरा दोस्त कहता है कि तुम रास्ता याद कैसे कर लेते हो। भाई बस तुम भी आओगे तुमको भी याद हो जाएगा रास्ता, कैसे आ रहे हो कैसे जा रहे हो, सारी की सारी रास्ते याद हो जाएंगे। अभी जिस एरिया में हैं इधर तो थोड़ा सा पेड़ कम है, या मे भी काट दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि काटा गया है। देखो यहाँ पे ये कट गया है, ये कट गया है, काट दिया गया है पेड़ वगैरह। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, ना बारिश हो रही है ना धूप है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जो पहले से बारिश हुई थी उसके वजह से मौसम तो मतलब सुहावना है। ये तख्ते ताऊत है, यहाँ पे कोई बैठना चाहेगा, सिंहासन है यहाँ का। पापा उधर से आ रहे हैं, काफ़ी दूर हैं, अभी दिखाई नहीं देंगे। और मैं यहाँ पे काफ़ी काफ़ी खुला एरिया है, इतना खुला, इतने में क्रिकेट हो जाए। बस यही है कि कोई अगर सिक्स मार देगा, छक्का चला जाए बाउंड्री से बाहर, तो बॉल खो भी सकती है। अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, पापा दिशा भूल गए, कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ नहीं उधर खड़े थे, लेकिन हम लोग घूम फिर के यहीं आ गए, जंगल में इधर से उधर करते करते फिर यहीं आ गए। ये डंपिंग अब पता नहीं कहाँ की डंपिंग है। शांति सुकून कितना अच्छा लग रहा है यार। हम लोग बैम्बू खोज रहे थे, लाठी वाला, जो कि अभी मिल नहीं रहा है हमें। ये उतना अच्छा नहीं है जैसा हमें चाहिए। पापा बता रहे हैं पहले बहुत हुआ करता था, लेकिन अब तो है ही नहीं एकदम। मैं जंगल सफारी पे निकला हूँ। पानी जाने का रास्ता बना हुआ है ऐसे। फिर से हम लोग स्प्लिट हो गए हैं, पापा दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। फिर पापा ना भूल जाए, जिस रास्ते से मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा था या आया हूँ, वो रास्ता इतना अच्छा और बढ़िया इसलिए हो गया क्योंकि जो भी प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ पे आई थी तो अपने लिए शॉर्टकट रास्ता, जहाँ से भी थोड़ा बहुत सही था आने जाने लायक, वो रास्ता बनाए थे, इसीलिए वो सही हो गया है। और मैं कैमरे पर कम और इधर ज़्यादा इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद रास्ता भूल गया क्या यार, मैं कहाँ से आया था। यहाँ से उतरते हैं, यहाँ पे मेरे चप्पल के निशान हैं, मतलब मैं इधर ही से आया हूँगा। इसको देख के ऐसा लगा एनाकोंडा लेटा हुआ है यहाँ पे। भाई किधर से किधर आ गया मैं, जंगल में जहाँ जहाँ तक रास्ता है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ मतलब रास्ता नहीं है वहाँ पे तो भाई सही में इंसान कंपास लेके आना पड़ेगा। वैसे फ़ोन है तो फ़ोन में कंपास है मेरे। ये यहाँ पे देखो गाय वगैरह है इधर, ये एकदम बीचों बीच जंगल में है हम इस समय। और यहाँ पे ये देखो जो पशु होते हैं इनको छोड़ देते हैं ये लोग ऐसे, ये लोग पूरा दिन भर पहाड़ी में से घास खाते रहते हैं, फिर जब शाम होता है तो अपने घर चले जाते हैं के लिए। अभी रूम पे पहुंच गए हैं, जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ नहीं, बट घूमे खूब हैं। वीडियो में आपने देखा है कितना अच्छा अच्छा प्लेस था। अभी चलते हैं, मैंने खूब सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता खाना जो भी है वो करते हैं हम। अभी मैं कुछ देर पहले सो की जगह हूँ और
पता नहीं जब से आए थे उस समय भूख लगी थी बहुत तेज, तो खाना नहीं खा पाए थे टाइम से, या उसके वजह से किसके वजह से हेडेक हो रहा है यार। पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना हेडेक हो रहा है, ये पकड़ के ऐसे हेडेक हो रहा है। शक्ल थोड़ी पागल जैसी लग रही है, या मतलब तबीयत खराब, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑयलिंग किया है। और अभी रात के डिनर में मैं आज शनिवार है, पापा बोल रहे हैं खिचड़ी बना दो, और चोखा चोखा किसका बना रहे हैं वो देखो। ये है अपनी लेडी फिंगर भिंडी और आलू है, उसके बाद अभी टमाटर भुनने के लिए रखे हैं, अभी भुन जाएगा टमाटर और थोड़ी सी प्याज। तो ये है आज का हमारा डिनर, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं था, मन कर रहा था लाइट सा ही कुछ खाएं, क्योंकि शक्ल देख के पता लग ही रहा होगा, देख लो मतलब थोड़ा सा। वहाँ से आने के बाद पापा फिर से गए थे, और जिधर मतलब जिधर ड्यूटी जाते हैं वहाँ पे, तो हम लोग गए थे इसी काम के लिए, ये क्या बोलते हैं लाठी वाला बांस काटने के लिए, बैम्बू कह लो जो भी, तो वहाँ पे मिला नहीं। तो फिर ये जिधर जहाँ ड्यूटी जाते हैं उधर गए थे, तो वहाँ पे कोई एरिया जहाँ पे ये मतलब अब इनको ना क्या बोलते हैं, जो ओबी होता है कोयला का जो वेस्ट होता है, उसको गिरा गिरा के ये अब मतलब ढक जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तो वहाँ से काट के लेके आए हैं। तो ये है तीन है ये लेके आए आज, मैं तो सो गया था एक बार तभी सिर दर्द कर रहा था, और फिलहाल बस थोड़ा सा मतलब अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ, तो डिनर तैयार करता हूँ। डिनर तैयार करने के बाद फिर वीडियो एडिटिंग में लगते हैं।